तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे ही बढ़िया रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमारे ईवो गन स्कार के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो उसका ऑफिशियल ट्रेलर है वो लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, और जो उसका इवेंट है वो भी यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। और साथ ही दोस्तों, जो हमारे गेम पर अपकमिंग इवेंट आने वाला है वन पंच मैन का, तो उसका भी दोस्तों यहाँ पर छोटा सा अपडेट निकल के आया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसी के साथ कुछ और भी छोटे छोटे अपडेट हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है। तो चलिए यार, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा वन पंच मैन वाला इवेंट है वो आपको जनवरी लास्ट वीक या फिर जनवरी 15 के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले फ्री फायर ने पोस्टर जारी किया हुआ था जहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया था हमारा न्यू बरमुडा रिमास्टर्ड, उसके बाद हमारा न्यू आइटम ईवो स्कार और न्यू मेली वेपन, और तीसरे में था हमारा वन पंच मैन कोलैबोरेशन। तो दोस्तों, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हमारा बरमुडा रिमास्टर्ड वाला इवेंट और उसके बाद जो ईवो स्कार वाला इवेंट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद दोस्तों 15 या फिर 16 जनवरी से आपको वन पंच मैन का जो इवेंट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा इवेंट होगा। तो 15 या फिर 20 दिन तक जो है इवेंट चलेगा, जैसा कि हमारा क्रोनो और जो बुइया इवेंट अभी हाल में ही चले थे। तो दोस्तों यार, यहाँ पे वन पंच मैन का एक लॉबी में लगाने वाला गिफ्ट जो है वो निकल के आया हुआ है, जो कि कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यार, काफ़ी ओपी और काफ़ी अलग ही किस्म का है, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों यार, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपके पास पुराने ऐसे गिफ्ट पड़े हैं तो आपके ये वाले में जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर आपके पास नहीं पड़े हैं तो जब हमारे गेम पे दोस्तों वन पंच मैन का जो इवेंट है वो आएगा तो आपको टोकन के एक्सचेंज के बदले में ये जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप लॉबी पे लगा पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आपको ये यहाँ पे लिमिटेड ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको अनलिमिटेड मिलेंगे, आपको 4 या फिर 5 कुछ लिमिटेड ही ये देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं ईवो स्कार इवेंट के बारे में। तो दोस्तों, ईवो स्कार आपको कैसे मिलेगी, आपको कितने डायमंड लगेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन है आपको उसका आंसर मिल जाएगा। पर उससे पहले दोस्तों, जो अभी ईवो स्कार का जो ट्रेलर है वो लॉन्च कर दिया गया है, तो सबसे पहले जो है हम ट्रेलर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ईवो स्कार फेडेड व्हील के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे 101% 200% कन्फर्म हो चुका है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर के जो पॉपअप पोस्टर है वो भी निकल के आ चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही जो हमारा इस वीक का जो कैलेंडर है वो भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, और इस वीक के कैलेंडर के अंदर जो हमारा फेडेड व्हील है वहाँ पे ईवो स्कार को जो है वो दिखाया गया है, जो कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे सैटरडे का जो है वो दिन लिखा गया है। साथ ही दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं जो हमारा इस हफ्ते का वीकली कैलेंडर यहां पे आज ही जो है वो लॉन्च किया गया था, तो इसके अंदर भी जो ईवो स्कार है यानी ईवो मेगलाडॉन है उसको दिखाया गया है। तो अभी बात करते हैं डायमंड्स की, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितने डायमंड हमारे इसके ऊपर लग जाएंगे। तो यार, आपको पता है कि जो हमारा फेडेड व्हील है इसके अंदर हमारा पूरा किस्मत का खेल है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 9 डायमंड की जो फर्स्ट स्पिन होती है वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर आपकी किस्मत बहुत ही बेकार है तो तब आपको लास्ट में ही मिलेगा। तो अभी इससे पहले दोस्तों हमारे गेम पे एके आई हुई थी, तो मेरे एक फ्रेंड को 9 डायमंड की जो फर्स्ट स्पिन होती है वहाँ पर जो हमारी इवोल्यूशन एके थी वो मिल गई थी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको लास्ट में ही मिलेगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है या फिर आपका नया नया अकाउंट है जिसे हम नूब अकाउंट बोलते हैं, तो वहाँ पर निकलने के जो है वो चांस ज़्यादा होते हैं। तो यार, अगर बात करें मैक्सिमम डायमंड की, तो फेडेड व्हील के अंदर 1300 या फिर 1400 डायमंड चाहिए होते हैं, जिसमें लास्ट स्पिन में मिलना फिक्स होता है यानी कि कन्फर्म होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक बात पहले ही बोली थी कि जो हमारी इवोल्यूशन गन है, चाहे स्कार हो चाहे एके हो, तो उनको निकालना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उनको लेवल 7 तक अपग्रेड करना बड़ी बात है, और उसके बाद ही असली मज़ा जो है वो आता है। तो आपको अपग्रेड करने में दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमंड लगेंगे, बल्कि आपको निकालने में कम डायमंड लगेंगे। तो दोस्तों यार, आप यहाँ से जो है आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपको निकालनी है तो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं हमारे कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, पहला अपडेट हमारी न्यू मिस्ट्री शॉप के रिगार्डिंग, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हमारे कोरियन सर्वर के अंदर दी गई है, और जहाँ पे ये जो 2 बंडल है उनको दिया गया है।
वैसे दोस्तों ये जो दो बंडल अपने इंडियन सर्वर के अंदर भी अभी तक आए नहीं हैं, पर अपने को मिस्ट्री शॉप के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी। तो पहले मैं मिस्ट्री शॉप की अलग से वीडियो बना रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि अपने इंडियन सर्वर के अंदर जो है मिस्ट्री शॉप तो आती नहीं है, अगर आती भी है तो एलाइट पास नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये जो अपडेट अपने किसी भी काम का नहीं है, बस आपकी नॉलेज और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये जो मिस्ट्री शॉप वाली वीडियो या फिर मिस्ट्री शॉप वाली अपडेट है वो आपको बता दी है। तो अपने वहाँ दोस्तों अगर मिस्ट्री शॉप आएगी तो जनवरी तक ही आएगी, और उसके बारे में जो है कन्फर्म पता जनवरी 15 या फिर जनवरी 10 के बाद ही पता चल पाएगा। अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मिस्ट्री शॉप इंडियन सर्वर के अंदर भी चाहिए या फिर लाइट पास में डिस्काउंट चाहिए, तो बस आपको एक काम करना होगा, आपको कोई भी टॉपअप नहीं करना है, यानी कि नो टॉपअप। अगर आप टॉपअप ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा टॉपअप जो है वो कम कर दीजिए, जिससे कि और लोगों का ही भला हो जाएगा और लाइट पास में डिस्काउंट आ जाएगा, तो सभी लोगों को जो है वो एक साथ फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट हमारे मैजिक स्टोर के रिगार्डिंग, तो हमारा जो अफ्रीका वाला सर्वर है वहाँ पे मैजिक स्टोर जो है अपडेट हो चुका है, और वहाँ पे स्टोर में अपडेट में ये जो गोल्डन बेल साथ ही जो क्रिकेट वाला बंडल है उसको मैजिक के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों आपको इंडियन सर्वर के अंदर गोल्डन बेल वाला जो बंडल है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने वहाँ पहले आ चुका है। तो इसके बदले दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा आउनी साउथ सिगर वाला बंडल, और दोस्तों ये जो ब्लू ब्लास्ट वाला बंडल है हो सकता है कि आपको इंडियन सर्वर के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि अपने इंडियन सर्वर में अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ पे आने के चांस हैं कि आपको मैजिक क्यूब के अंदर ही देखने को मिल जाए। तो अगर इसके बारे में कोई और चीज़ पता चलती है या फिर और अपडेट मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी दोस्तों यार वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।